ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ यादें, कुछ बेहतरीन, कुछ शानदार, कुछ यादगार यादें इन फोटोज में। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम क्योंकि एक छोले कुलचे की दुकान पर, जब तक छोले कुलचे बनने का ऑर्डर दिया तब तक बाबू ने जो पंचर टायर था उसे बनवा लिया। फिर हम जुट गए खाने में और कुछ यादों को समेटते हुए फिर हम निकले आगे की ओर। लगभग हम पहुंचने ही वाले थे कि हमारा टायर हुआ बस्ट, यानी कि फट गया एक लास्ट इधर वाला लेफ्ट वाली साइड का। फिर बाबू ने बहुत ट्राई किया उसे बनाने के लिए, बहुत कोशिश की, ऐसे नहीं तो वैसे अकड़म मकड़म कई तकड़म लगाए, लेकिन वो टायर जो बस्ट हो चुका था वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मामू जैसे अंगद के पार की तरह हट जम गया हो। काफी कोशिश की भाई ने, दोनों भाइयों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं लिया था। हमने भी कॉलिंग की इधर उधर नियर बाई गो मैकेनिक, यहाँ वहाँ सर्च करने के बाद पापा को फिजिकली एक दुकान मैकेनिक की मिल ही गई, जिसने 200 रुपए में हमारा काम कर दिया। और खुशी से हम पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे। एंट्री ली हमने जू के अंदर, जहाँ पर पर्सन 100 रुपए हमें पे करने पड़े। जू के अंदर एंट्री लेने के बाद एनिमल्स तक जाने, एंट्री का प्रोसेस टिकट्स तक ही नहीं, फिर हमें लंबी लाइन लगानी पड़ी, जहाँ एंटर करने के बाद हमारी बैग चेक हुए और खाने पीने का सामान वहीं निकलवा लिया गया। फिर वो ये होती है हमारी ग्रैंड एंट्री जू के अंदर एनिमल्स के पास। मंजिल पास पर रास्ते लंबे थे, इसलिए हमें कटवानी पड़ी टिकट 70 रुपए पर पर्सन, यानी 490 रुपए, और ये लिए हमने ऑटो और निकल पड़े एनिमल्स के सफर के लिए। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए क्वेंस यानी सारस के, जो पेड़ पे बैठे थे। फिर मैंने सोचा वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो वीडियो कॉलिंग पे सबसे पहले हमने देखा सियार यानी उल्फ, यानी गीदड़ ऐसी प्रजाति होती है ना ऐसे, जो अपने बच्चे के लिए इधर उधर राउंड लगा रही थी। मम्मी उल्फ है ये। थोड़ी देर में वीडियो कॉल कट करके सफर का मजा लेते हुए सबसे पहले मिला हिरन, वही सोने का हिरन जिसे भाई इंट्रो कर रहा था कि सीता माता को पसंद आ गया था और राम जी कैसे लेके आए थे एंड ऑल। फिर हमें नेक्स्ट दर्शन हुए एक सिंह वाले राइनो के, जो पास से देखने में इतने प्यारे लग रहे थे, पता नहीं लड़ाकू होते खाते कि नहीं, लेकिन अच्छे लगे। फिर मिला हमें पैरट, कलरफुल बहुत सारे पैरट्स, बट यहाँ ब्लू ही कैप्चर हुआ है। उनमें एक से बढ़ के एक बेहतरीन जानवरों के बीच हमें मिला डायनासोर, बट जिंदा तो नहीं मिल सकता था, तो जैसा मिला वैसा ही कैप्चर कर लिया हमने। इसमें शाकाहारी प्लस वो लॉन्ग वाला, जब सबसे मुलाकात हो ही रही थी तो जंगल के राजा मिस्टर शेर से कैसे न होती। फिलहाल ये शेर हमसे शायद नाराज थे, इसलिए कोने में जाके बैठे हुए थे। हमने काफ़ी कोशिश की कि थोड़ा पास देख लिया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जूम करके थोड़ा कैप्चर हुआ। हमारी मुलाकात होती है हमारे फेवरेट कछुआ हाथी, यहाँ 4 का घर था बट यहाँ 2 थे। और उसके बाद हम चलते हैं आगे की ओर और मिलते हैं 2 हमारी प्रजाति के लोग, यानी कि बंदर। फिर ये लास्ट में एंड में आते हुए हमने यहाँ फिल मस्ती के साथ आते हुए हमने लास्ट में थोड़ी सी एंकरिंग वाली वीडियोस निकाली है, जो भाई पेड़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और बैपिल ने भी थोड़ा थोड़ा किसी किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था, और ये बीच में भाई ने राइनो के बारे में एक्सप्लेन किया था। इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ खुद ही भाई की वॉइस डाली है मैंने। पहले ये जानवर कुछ अरब साल पहले जानवर बिल्कुल नॉर्मल एक गाय जैसा हुआ करता था, लेकिन जब माता गांधारी ने अपने नेत्र खोले अपने अपने पुत्र दुर्योधन को पत्थर के शरीर का बनाने के लिए, तो उनकी नजर इस जानवर पे पड़ गई और ये जानवर का शरीर पत्थर का हो गया। पानी में वेस्टेज नहीं डालना है, तो बहुत अच्छा ही सिंबलाइज किया था, तो जो भाई ने इशारों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और फिर ये हम लेते हैं एग्जिट, और इसी के साथ नेशनल जूलॉजिकल पार्क की बहुत सारी यादें समेटते हुए हम बाहर एग्जिट लिए और थोड़ी देर पार्क में बैठे, वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि चलते चलते थोड़ा वैसे ऑटो की हेल्प ली थी, बट फिर भी चलते चलते हमारे पैर में थोड़ा दर्द हो गया, तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और इसी के टाटा बाय।